एवरी वन आयुष एंड ऑल टू इज न्यू आज का ऑब्जर्वेशन so, देखेंगे तो एज वी ऑल नो एंड वी आर ऑब्जर्विंग इन द मार्केट फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज कि मार्केट कंटिन्यूअसली एक बाइंग साइड के व्यू या मोमेंटम में परफॉर्म कर रहा है सो so, कंटिन्यूस अगर मोमेंटम देखेंगे तो जो मेजर लेवल्स है तो अगर अगेन यहां पर मैं एक बार मार्किंग करूं तो सबसे पहले ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मार्क किया गया था एंड इसके बाद अगेन एंड अगेन इन लेवल्स पर मार्केट काफी दिनों तक यहाँ पर सस्टेन हुआ तो सबसे पहला ब्रेक देखेंगे तो क्रिएशन हुआ था सेवेंथ ऑफ जून को एंड ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ अगेन सेल ऑफ हुआ था एंड अगेन इसके बाद फिर मार्केट्स अपने इन पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है तो सपोर्ट लेवल के ऊपर आने पर यह पर्टिकुलर रेंज को मार्केट ने क्रिएट किया एंड प्रीवियस फ्यू डेज से देखेंगे तो बाइंग पोजीशन ही हमने यहाँ पर मार्केट्स में एग्जीक्यूट किया है सो ऑन ट्वेंटी ऑफ जून एंड ट्वेंटी एंड आज के दिन भी देखेंगे तो कंटिन्यूस एक बाइंग साइट का मोमेंटम आज के दिन मार्केट्स यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है सो so सबसे पहले अगर क्रिएशन देखेंगे तो यहाँ पर ट्वेंटी ऑफ जून से या प्रीवियस डे का ट्वेंटी सिक्स का क्लोजिंग देखेंगे तो बाइंग साइट का क्लोजिंग मार्केट यहां पर सस्टेन किया एंड सपोर्ट लेवल से सस्टेन होने के बाद कंटिन्यूअसली बाइंग साइट का एक ब्रेकआउट यहां पर क्रिएट हुआ है सो लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो सक्सेसफुल ब्रेकआउट ऑफ द मेजर रेजिस्टेंस लेवल एंड सक्सेसफुल क्लोजिंग देखेंगे तो मार्केट्स ने बाइंग साइड का सस्टेन किया है आज का कंडीशन या आज का सिनेरियो देखेंगे तो जैसे कि दो दिन अब मार्केट यहां से क्लोज रहेगा सैटरडे संडे ऑफ रहेगा तो आज के दिन गैप अप ओपनिंग के साथ सबसे पहले मार्केट ने अपने सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश की है तो जैसे कि गैप अप देख सकते हैं सस्टेन हो रहा है फर्स्ट कैंडल में भी सेलर्स ट्राइड टू पुश द मार्केट डाउन बट गेन बायर्स ने बाइंग साइट पर इसको सस्टेन किया सो so, आज का रेंज देखेंगे तो ये पर्टिकुलर आज का रेंज क्रिएशन है एंड इसी पर्टिकुलर रेंज का ब्रेकआउट आज के दिन बाइंग साइड पर एक्सपेक्टेड है तो इसी पर्टिकुलर सिनेरियो को आज के दिन शेयर किया गया हॉल्ट एनालिसिस देखेंगे स्विंग एनालिसिस देखेंगे तो मार्केट आज का पहला बाइंग स्विंग क्रिएशन के बाद सपोर्ट लेवल पर नहीं आ पाया है सो हायर लोस क्रिएशन के साथ अगेन एंड अगेन प्राइसेस रेजिस्टेंस लेवल पर पुश हो रहा है अगर एंट्री का रीजन देखेंगे तो एंट्री का रीजन देखेंगे तो दो टाइम सेलिंग स्विंग आया है मार्केट सपोर्ट लेवल तक कुछ नहीं हुआ है इसके बाद अगेन हायर लो क्रिएशन बाइंग साइड मोमेंटम एंड अगेन जब ये सपोर्ट यहां पर सस्टेन हुआ तो ये बाइंग साइड का ग्रीन हेल्दी कैंडल क्लोजिंग आया है तो पर्टिकुलर कैंडल एक साइन ऑफ रिवर्सल है कि अगेन प्राइसेस रेजिस्टेंस की तरफ पुश कर रहा है तो कंफर्मेशन इस पर्टिकुलर कैंडल में क्रिएट हो गया जब अगेन मार्केट हाइस की तरफ प्रोसीड कर रहा है कि आज के दिन हाई ब्रेकआउट यहां पर एक्सपेक्टेड है सो so इस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन को आप सभी के साथ टेलीग्राम पर भी यहां पर शेयर किया गया सो so टाइमिंग देखेंगे तो टेन फोर्टी एम पर आज के दिन इसको यहां पर शेयर किया गया कि जैसे कि देख सकते हैं ये टेन फोर्टी एट एम का कैंडल है कि हायर लो क्रिएशन हो गया था एंड एक हेल्दी रिवर्सल कैंडल देखेंगे तो बाइंग साइड का क्रिएट हुआ जिसमें वोलेटिलिटी पेस ऑफ मोमेंटम देखेंगे तो अभी तक सबसे ज्यादा है ऑन टू द बाइंग साइड अगर इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम साइडवेज मार्केट में देखेंगे तो इट्स अ कंफर्मेशन ऑफ द बाइंग साइड तो इसी क्लोजिंग के बेस के बाद यहाँ बाइंग पोजिशन बनाया गया है एंड कंफर्मेशन पर आप सभी के साथ इसको शेयर किया गया टेन नॉट फोर्टी एट एम पर कि आज के दिन हाई ब्रेकआउट इज एक्सपेक्टेड के दिन ऑफ दिन था हंड्रेड का स्ट्राइक प्राइस टू हंड्रेड पॉइंट देखेंगे मनी का स्ट्राइक प्राइस दूर का स्ट्राइक प्राइस यहां पर लिया गया है सो नाइनटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड मंथली एक्सपायरी है ओपन करेंगे एंट्री पोजिशन को यहां पर मैं माफ करूंगा। सो वन फोर्टी फाइव पॉइंट थ्री सिक्स का एवरेज प्राइस है तो ये हमारा एवरेज एंट्री प्राइस है 145.36 ओके okay, सो so 145.36 का एंट्री है 17000 क्वांटिटी है इसका मतलब वही अराउंड 4 टू 5 पॉइंट्स का एसएल प्लान करेंगे सो so, 70000 रुपीस के रिस्क के साथ आज का ये पर्टिकुलर ट्रेड यहां पर प्लान किया गया है मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन 1:3 का आज के दिन रखा जाएगा सो so, एंट्री कैंडल देखेंगे तो ये पर्टिकुलर बाइंग साइड का जब क्लोजिंग आया है तो ये कंफर्मेशन है एंट्री के लिए तो इस पर्टिकुलर कैंडल में एंट्री को बनाया गया है सो स्पॉट का चार्ट भी देखेंगे तो जैसे अगेन इज ट्रेडिंग ऑन टू द हायर लेवल रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट यहां पर ट्रेड हो रहा है तो कंफर्मेशन ऑलरेडी आ गया है यहां से रेजिस्टेंस लेवल जैसे कि ट्रेड हो रहा है ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन शेयर कर दिया गया है कि रेजिस्टेंस इंट्रा हाई का ब्रेकआउट आज के दिन एक्सपेक्टेड है सो एनीयर बिटवीन टारगेट देखेंगे तो वन से आपका टू लैक्स के बिटवीन टारगेट्स को आज के दिन यहां पर हम एक्सपेक्ट करेंगे सो so वेट करेंगे ऑब्जर्व करेंगे कंफर्म ट्रेड है हाई कन्फर्मेशन है एंड ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जिस तरह का मार्केट मेजर लेवल देखिए ब्रेकआउट किया है मेजर लेवल ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग आया है आज के दिन भी स्ट्रेंथ सस्टेन हुआ है तो एक कंटिन्यूएशन ऑफ द बाइंग ट्रेंड का मोमेंटम आज के दिन यहां पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सो so वेट करेंगे ऑब्जर्व करेंगे एंड जैसा भी मार्केट परफॉर्म करेगा मैं आप सभी को अपडेट करूंगा ओके सो करंट टाइम इज 11:41 एम एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन एज वी कैन सी की ब्रेकआउट यहाँ पर आ गया है एंड नियर टू द टारगेट्स ऑफ टू लैक्स भी हमारा यहाँ पर आ गया है सो so, सबसे पहले ऑर्डर्स को यहाँ पर मैं एग्जिट करूंगा लिमिट प्राइस करंट मार्केट प्राइस से कम कर रखेंगे सो वन फिफ्टी का यहाँ पर हम रख सकते हैं ओके okay. सो so, अगले ब्रेकआउट या कंटिन्यूशन पर यहाँ पर हम ऑर्डर्स को प्लेस करेंगे सो करंट पीएनएल अराउंड वन लैख नाइन्टी टू थाउजेंड रुपीज सो स्मॉलर टाइम फ्रेम को यहाँ पर मैं ओपन करूंगा तो वन मिनट टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया है एंड ऑप्शन चार्ट पर भी वन मिनट टाइम फ्रेम को यहाँ पर मैं ओपन करूंगा ओके सो एज वी कैन सी की करंटली मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया है फ्रॉम द टारगेट लेवल सो so वेट करेंगे अगेन कंटिन्यूएशन जैसे अभी तो ब्रेकआउट आया है तो कंटिन्यूएशन इसका एक्सपेक्टेड है तो अगेन कंटिन्यूएशन के बेस पर ऑर्डर्स को यहां पर हम प्लेस करेंगे सो लेट्स वेट एंड ऑब्जर्व ओके सो एज वी कैन सी अगेन कंटिन्यूएशन होने लगा है करेंट पेनल अराउंड वन नाइनटी सेवन सो वेट करेंगे एंड अगले ही पल्च में यहां पर हम ऑर्डर्स को एग्जिट करेंगे सो वन नाइंटी नाइन वन नाइंटी सेवन सो लेट्स वेट एंड ऑब्जर्व ओके सो सक्सेसफुली आई हैव एग्जिटेड यू टूडेज ऑर्डर हियर सो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन टारगेट रेशियो ऑफ अराउंड टू लैक्स को यहाँ पर हमने बुक किया है सो so इस पर्टिकुलर एग्जिट को यहाँ पर मैं टेलीग्राम पर भी शेयर करूंगा कि स्मॉलर टाइम फ्रेम अगर ओपन करेंगे फाइव मिनट टाइम फ्रेम तो दिस वॉज द रजिस्टेंस ब्रेकआउट विच वॉज एक्सपेक्टेड सो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर हमने अपने टारगेट्स को बुक किया है सो एज वी कैन सी अगेन मार्केट और ऊपर मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है बट जैसे कि ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग मी रेगुलरली नो कि हम ग्रेट या फियर या इमोशंस में एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन अगर रेशियो आएगा तो उसको बुक करेंगे स्टॉप लॉस आएगा तो स्टॉप लॉस को भी मार्केट में अकॉर्डिंग टू द रेशियो ही बुक किया जाएगा सो एज वी कैन सी आज का अपडेट देखेंगे तो बिफोर द ब्रेकआउट काफी पहले टेन फोर्टी एट एम में ही इस पर्टिकुलर हाई ब्रेक के भी पहले यहां पर शेयर किया गया था सो आफ्टर ब्रेकआउट देखेंगे तो एक काफी अच्छा मोमेंटम आज के दिन मार्केट से यहां पर कंटिन्यू किया है सो so, कल का अपडेट भी देखेंगे तो लास्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी एक काफी अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला सेम बाइंग के ट्रेड को ही एग्जीक्यूट किया गया था सो एज वी कैन सी लास्ट ट्रेडिंग सेशन टेन डॉट थर्टी टू एम पर शेयर किया गया कि प्राइसेस कल का एनालिसिस भी सेम था मेजर ओवर साइट पर था एंड अगर इंट्रा डे का बिहेवियर देखेंगे तो प्राइसेस हायर लेवल्स को होल्ड किया अकॉर्डिंग टू द हॉल्ट एनालिसिस एंड स्विंग एनालिसिस तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी इंट्रा डे हाई ब्रेक के साथ एंट्री को बनाया गया एंड कल के दिन भी देखेंगे तो ब्रेकआउट के बाद एक काफी अच्छा मोमेंटम मिला एंड अराउंड थ्री Uh, 13000 3 लाइक like 13000 के टारगेट्स को हमने बुक किया इसके पहले भी देखेंगे तो अगेन बाइंग साइड का ट्रेड था 27th ऑफ जून देखेंगे 11:41 एम पर शेयर किया गया कि ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कंफर्मेशन आ गया सेलिंग स्विंग के बाद जैसे ही सपोर्ट बनने का कंफर्मेशन आया तो इसको शेयर किया गया कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है तो ब्रेक के बाद अगेन एक काफी अच्छा मोमेंटम तो so, का so, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं एंड करेंटली वी आर रनिंग कूपन कोड सीओ वन फाइव जिसे आप यूज कर सकते हैं टू अवेल एडिशनल 15% ऑफ ऑन ऑल ऑफ कोर्सेज एंड टेलीग्राम चैनल तो कोर्सेज में काफी डीप में एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करें कि बाइंग साइड मार्केट है या सेलिंग साइड मार्केट है जैसे आज के दिन हॉल्ट एनालिसिस या ओवरऑल ओवरव्यू को कंबाइन किया जाता है फिर इंट्राडे दे ऑब्जर्वेशन देखा जाता है क्या वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू होने का क्या प्रोबेबिलिटी है जैसे आज बाइंग साइड के कंटिन्यूएशन का प्रोबेबिलिटी था तो बाइंग साइड का एग्जीक्यूशन किया गया तो कोर्सेज में काफी डीपली एक्सप्लेनेशन को किया गया है तो इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एंड जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे So see you all in the next video. Till then, bye to all and see ya.